एग्जाम्स आने वाले हैं यार, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, पढ़ाई तो मन लगा करके करनी ही पड़ेगी। और बेटा देखो, तुमसे हमको बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, इन्हीं एग्जाम्स के ऊपर में तुम्हारा फ्यूचर टिका हुआ है। और देखो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, पूरा कैरियर सेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस एग्जाम्स के अंदर में 90% तो चाहिए ही चाहिए। परसेंट कम नहीं 90% से। बिल्कुल बिल्कुल 90% ले आएगा, मैं कह रहा हूँ। अरे चुप करो यार, 90% क्या होता है 90%? पढ़ने बैठा नहीं हूँ, आ गए दोनों दिमाग खराब करने, 90% लेके आने हैं। यार मैं कर लूंगा, मेरे को पढ़ने दो प्लीज, जाओ। हाँ ठीक है बेटा, पढ़ो आराम से पढ़ो। वेरी गुड गुड, मन लगा के पढ़ना। लेकिन बेटा 90% चाहिए। 90% से एक नंबर भी कम नहीं चाहिए। चलो चलो बात सुन बेटा, 90% चलो, भूलना नहीं, 90% चाहिए चाहिए। यार ये कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं पापा, वो एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा क्या फर्क पड़ता है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रट ले इसको और एग्जाम में वैसे ही टेप देना। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आया कि नहीं आया, हमें तो सिर्फ मार्क्स चाहिए, मार्क्स। ठीक है बेटा, रट ले रट ले, शाबाश शाबाश। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जब जब ये एग्जाम्स आते हैं ना, तब तब जीना आराम हो जाता है, ना सोया जाता है ना कुछ खाया जाता है, और ऊपर से घर वाले ना कहीं जाने देते हैं ना कुछ करने देते हैं, सारा दिन पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, एग्जाम हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बाहर में गया एग्जाम, टीवी देखता हूँ, चैनल क्यों नहीं आ रहा। मम्मी, अरे मम्मी चैनल क्यों नहीं आ रहा, एक भी चैनल नहीं चल रहा। टीवी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा दिया, तेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना इसीलिए। बेटा हमें तेरे से नंबर चाहिए ना, नंबर। नंबर चाहिए, ले लो नंबर। हटो यार, लगता पढ़ने गया है। समझ आ गया उसको सारी नंबर। नंबर यार पढ़ाई कर लेता हूँ, कल एग्जाम और कुछ भी नहीं पढ़ा। फेसबुक चला लूँ थोड़ी देर, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। अरे नहीं यार, एग्जाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फेसबुक तो चेक तो करूँ किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। अब कर लेता हूँ पढ़ाई थोड़ी देर। नेटफ्लिक्स पे नई वेब सीरीज भी तो आई है, वो देखता हूँ ना, बाद में पढ़ाई करूँगा। बहुत हो गया यार, फेसबुक भी चला लिया या नेटफ्लिक्स भी देख लिया, अब तो पढ़ाई कर ही लेता हूँ। 4 घंटे खराब कर दिए मैंने पूरे, हट पढ़ाई करता हूँ। इंस्टाग्राम पे कौन मैसेज कर रहा है मेरे को, देखूँ तो। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है? अरे पापा, आप कुछ नहीं, पापा पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम है ना। वेरी गुड वेरी गुड, नंबर चाहिए नंबर। वेरी गुड। बेटा पढ़ाई कर रहे हो? जी पापा। अच्छा मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है ना? जी पापा पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा वेरी गुड। ये लैपटॉप यहाँ क्या कर रहा है? पापा वो जो क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, वो इंटरनेट से देख लेता हूँ, तो इसलिए लैपटॉप रख रखा है कि कुछ समझ ना आए तो इंटरनेट से देख लूँ। वेरी इंटर। पढ़ाई करो पढ़ाई।
बेटा तुम पक्का पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ पापा पढ़ाई कर रहा हूँ, और क्या करूंगा। अच्छा ये लैपटॉप यहाँ क्या कर रहा है, मुझे इस पे डाउट हो रहा है बार बार। अरे पापा अभी बताया तो था, जो चीज समझ में नहीं आती वो इंटरनेट से देख लेता हूँ, इसलिए रख रखा है। आप इतनी बार तो आ गए, हर बार पढ़ाई तो कर रहा हूं मैं। मन लगा के पढ़ बेटा, मन लगा के पढ़ और कुछ सीख, मुझसे ही सीख। मैं कितनी मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए। पापा क्या मेहनत की आपने आज, 4 दिन तो घर पे पड़े थे, छुट्टी थी ना ऑफिस की। बेशक बेटा मेरी छुट्टी थी, लेकिन मैं अपस्टॉक पे ट्रेडिंग कर रहा था। अपस्टॉक से आप, ये क्या चीज है पापा? बेटा अपस्टॉक एक म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग ऐप है, इसमें तो मिस्टर रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। इस पे 1 मिलियन लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। अरे वाह पापा, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, बट ये काम कैसे करता है? अरे बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाकर के रजिस्टर कराना है, कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, और हाँ पैन नंबर मैंडेटरी है, और नए लोगों के लिए तो ये बहुत इजी है। और सबसे बड़ी बात, ये 28,000 रुपए की एडवाइजरी सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। अरे वाह पापा सही है। अब बेटा करना क्या है, जब शेयर के प्राइस लो हो उनको खरीद लेना है, और जैसे वो प्राइस हाई हो उनको बेच देना है, और अपना प्रॉफिट कमा लो। और तो और बेटा आप जो है वो ग्लोबल मार्केट से भी शेयर खरीद सकते हो, जैसे Amazon, BMW, Disney, सब खरीद सकते हो। और अगर आपको कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप इस प्लेटफॉर्म को हिंदी में भी यूज कर सकते हो। अरे ये सही है। हाँ बेटा डिस्क्रिप्शन से अपना लिंक ओपन करो और अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करो। वैसे सच में पापा आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो हमारे लिए, देखना पापा आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा मैं, और अच्छे नंबर लेके आऊंगा और आपको प्राउड फील कराऊंगा। शाबाश, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे मार्क्स लेकर के आने तुमने। जी पापा। ठीक है, वेरी गुड, दिल लगा के पढ़ो, चलो। भाड़ में गई पढ़ाई। कुछ तो गड़बड़ है, ये इतना मन लगा करके पढ़ कैसे रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पता तो लगाना पड़ेगा। ये क्या था, दोबारा सुनता हूं। ओह ये तो कुछ जानी पहचानी सी आवाज थी। पक्षी, ओह पक्षी खेल रहा है, मेरे को बेवकूफ बना रहा है। आज तो तू गया बेटा, आज नहीं छोड़ूंगा तेरे को, देख मैं भी तेरा बाप हूं। मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अरे पापा आप? जी पापा पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है? जी पापा। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। पापा मार क्यों रहे हो, पढ़ाई तो कर रहा हूँ। ये उल्टी किताब पकड़ के कौन पढ़ाई करता है? बेवकूफ समझता अपने बाप को, पागल बना रहा है। बाप हूं मैं तेरा बाप, समझा? समझाता हूं कि तू क्या कर रहा है। गेम खेल रहा था ना तू, गेम खेल रहा था ना, वो भी पबजी। नहीं पापा। पबजी खेल रहा है ना तू? नहीं पापा। कहाँ तेरा मोबाइल, कहाँ मोबाइल? ला जा, और ये तरफ ना ये भी ले लैपटॉप, और एक बार कान खोल करके सुन ले, और अपने इस बुद्धू दिमाग के दम में ठूस ले। अगर अब तेरी नजर किताबों के अलावा इधर उधर गई ना, तो तेरे गाल होंगे और मेरा थप्पड़, समझा ना? पढ़। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। कल तो एग्जाम है ना, तैयारी कर ही लेता हूं। चैप्टर 1 की पर्ची, चैप्टर 2 की पर्ची, चैप्टर 3 की पर्ची, तैयारी तो अपनी फुल है। कल का एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। 1 मिनट यार, अभी भी ना कुछ मिसिंग है यार। बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं कल, ऐसे एक बात नहीं बनेगी।
भैया फोटोकॉपी करानी है। हो जाएगी। ये लो इसकी मेरी बुक की फोटोकॉपी कर दो। भैया जीरो साइज फोटोकॉपी करनी है, जीरो साइज। जीरो कॉपी हो जाएगी, पर 2 रुपए का एक पेज लगेगा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, हर बार एग्जाम्स होते हैं ना, हर बार आता हूं ना जीरो कॉपी कराने, हर बार 1 रुपया देता हूँ। सही सही लगा लो, 1 रुपए का एक पेज लगा लो भैया। तू हर बार आता है इसलिए 1 रुपए का लगा लेंगे। ठीक है जल्दी करो भैया। भाई पेपर इतना खराब गया मेरा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, भाई मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा भाई, गया मैं तो, मम्मी बहुत मारेगी मुझे। अबे क्या घंटे का एग्जाम का प्रेशर, ये एग्जाम प्रेशर ना पढ़ाकू बच्चों के लिए होता है, हम जैसे चीटर्स के लिए कोई प्रेशर नहीं होता, हमारा तो यही मालिक है। आज हम डेट पे चल रहे हैं ना? या बेबी व्हाई नॉट, लेट्स गो। ओ भाई इसकी तो कॉलेज की बंदी है। हाँ भाई। हम ही पपलू रह गए। ओ हरामखोर चल अंदर। अरे यार चल ठीक है तो। गधे खोते हरामखोर, तेरे एग्जाम सिर पे आ रहे हैं, तू बाहर क्या कर रहा था राहुल के साथ? मम्मी एग्जाम है तो क्या हो गया, थोड़ी देर खेली तो रहा था, क्या बात हो गई? देख तेरे खेलने पे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है तो राहुल के साथ रहने में, एक नंबर का नालायक है वो, और मुझे पक्का पता है कि उसके साथ रह के तू भी नालायक हो जाएगा। यार मम्मी ये क्या लॉजिक हुआ, अगर वो नालायक है तो उसके साथ रहने से मैं कैसे नालायक हो जाऊंगा? कहावत सुनी है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अरे यार मम्मी ये सब बकवास होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। देख 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 आ गया ना सर उसका, लगा ना जुबान लड़ाने मेरे से। चुपचाप चल अंदर जाके पढ़ाई कर। ठीक है। बड़ा अच्छा सिंगर है पर इसका चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है। रचित और अजीत जल्दी से इधर आ। हाँ मम्मी बोलो क्या हुआ? ये देख तो वो तेरा दोस्त राहुल लग रहा है ना? हाँ राहुल ही है। और कितना बड़ा सिंगर बन गया है, अरे इससे बातचीत कर, लिंक पढ़ा, बहुत काम आएगा जिंदगी में। बातचीत करूं, लिंक बनाऊं? जब इसके साथ रहता था जब क्या बोलती थी मेरे को, ये नालायक है, इसके साथ मत रह, नालायक हो जाएगा तू भी। आज हो गया ना अपनी लाइफ में कामयाब, और मैं, मेरे को देखो आज तक भी एग्जाम्स ही दे रहा हूँ, और हालत भी जंगली हो गई है मेरी तो। ऐसा है मेरे को कोई बात नहीं करनी और ना किसी से लिंक बनाना, ठीक है? मेरा कल PhD का एग्जाम है, मेरे को चुपचाप पढ़ाई करने दो, लिंक बनाओ बैठे करो। भाई रिजल्ट आने वाला है यार, देखो क्या होगा, पास तो हो जाऊंगा यार मैं, कह रहे हैं। भाई मेरे बाबू ने तो कह रखी इस बार जो मेरे 35% नंबर आ गए ना बुलट दवाओगा वो ना फिर तेरा भाई अंडा का लेगा बुलट ने। और जब 35% ना आते, अरे तो स्प्लेंडर तो सही यार। और पता है मेरे पापा ने तो मुझसे कह रखा है अगर मेरे 90% मार्क्स आ गए ना तो मेरे पापा मेरे लिए स्कूटी लेकर आएंगे। ओ सही है। और भाई मेरे पापा ने तो नू गई थी, अच्छे नंबर आ गए तो ठीक है बढ़िया कॉलेज में एडमिशन दिवा दूंगा, और जब बढ़िया नंबर ना आए तो एक टेबल और 2 कुर्सी लगा कर प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस खोल कर बैठ जाऊंगा। यार तुम लोगों का तो बढ़िया है, पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे क्या हो गया बोल भाई, रिजल्ट लिस्ट लग गई। रिजल्ट लग गया, चलो चलो चलो। भाई मैं रिजल्ट देखूंगा अपना, हटो यार मेरे को देखने दो मेरा क्या रिजल्ट है। ये मैं पास हो गया, मेरी स्कूटी आएगी। ओ भाई मैं भी पास हो गया, मजा आ गया। ओए बुलट पक्की।
अरे अपने साथ राहुल था, कहाँ गया वो? पता नहीं, नहीं पता, अभी तो यहीं था। मैंने भी नहीं देखा। एक मिनट रुको तुम। ओए राहुल, अबे कहाँ जा रहा है? रुक जा राहुल। राहुल, अरे राहुल हुआ क्या? कहाँ चला गया, क्या हो गया इसको? सॉरी मम्मी पापा, मैं फेल हो गया, मुझे माफ कर देना। अबे ओए, अबे नीचे उतर, अबे पागल है क्या? नीचे उतर, अबे नीचे उतर, अबे साले ये क्या कर रहा है तू? तेरे को शर्म नहीं आ रही करते हुए? जीके भी क्या करूंगा भाई, मैं फेल हो गया, मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो सुसाइड करने से क्या तू पास हो जाएगा? अच्छा मेरे को एक बात बता, एक गाना गाने से क्या तू अच्छा सिंगर बन जाएगा? नहीं। या एक कविता लिखने से तू अच्छा कवि बन जाएगा? नहीं यार। या फिर एक बार खाना खाने से तेरा जिंदगी भर के लिए पेट भर जाएगा? नहीं यार, क्या बात कर रहा है? तो फिर एक एग्जाम में फेल होने से तूने अपने आप को सफल कैसे मान लिया? भाई जिंदगी हमें हर मोड़ पे आजमाती है, ये तो छोटा सा एग्जाम ही तो था, आगे चल के तो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, उनको कैसे फेस करेगा तू? वो सब भी तो तुझे अकेले ही फेस करनी पड़ेगी ना, इतनी आसानी से हार मान गया तू? और मेरे भाई सुन, तेरी जान इतनी भी सस्ती नहीं है कि उस पर एक मार्कशीट भारी पड़ जाए। भाई मम्मी पापा नहीं मानेंगे, वो बहुत गुस्सा होंगे मुझ पर। भाई तेरे मम्मी पापा के लिए तेरी खुशी से बढ़ के कुछ है? अगर तुझे आज कुछ हो जाता तो तेरे मम्मी पापा कैसे जीते तेरे बिना, ये सोचा है तूने कभी? भाई ऐसा कदम उठाने से पहले अपनी नहीं तो कम से कम अपने मम्मी पापा के बारे में ही सोच लेता। और अगर तुझे अभी भी लग रहा है ना कि मैंने तेरे को रोक के गलत किया, तो तुझे जो करना है तू कर। भाई सॉरी, मुझे माफ कर दे। दोस्तों जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और एक एग्जाम का रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड थोड़ी ना करेगा, इसलिए कुछ भी गलत करने से पहले अपने हंसते खेलते परिवार के बारे में जरूर सोच लेना। हे गाइस, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। और ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली थी जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर आप लोगों पे से कम हुआ होगा, थोड़ी सी स्माइल आई होगी आपके फेस पे। और जिन लोगों के एग्जाम चल रहे हैं उनको ज़्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी मत लो, अच्छे से पढ़ाई करके अपना एग्जाम दे के आओ, और बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। और दोस्तों अगर आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके रजिस्टर करो और अपस्टॉक्स का फ्री अकाउंट क्रिएट करो। तो दोस्तों बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए प्यार बनाए रखना। बाय बाय, लव यू ऑल गाइज, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए।